दोस्तों एक ईसा अंधा का गांव जहां पर हर एक इंसान तो अंधा है ही, साथ साथ में वहां के जो पशु पक्षी हैं वो भी सब अंधे हैं। कित है ईसा विचित्र गांव धरती पे, और ईसा कुकर हो गया कि किसी भी पशु पक्षी या इंसान में आंख की रोशनी नहीं है, और फिर उस गांव वाले इस अंधेपन के लिए किसने जिम्मेदार मानना है, और वैज्ञानिक ने आखिर कुकर इस राज पर पर्दा उठाया, आओ देखें। दोस्तों राम राम, मैं गौरव मान आपके सामने हाजिर हूँ एक सीरीज दुनिया के अद्भुत गांव लेकर। अगर आपने चैनल पहली बार देखा है तो आपने करना है सब्सक्राइब। जन्म के बाद दोस्तों इस अजीब और रहस्यमयी गांव के बच्चे भी वैसे ही पैदा हुआ जैसे किसी दूसरे देश के। कुछ टाइम तक इन बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल दिखाई पड़ा, पर फिर पता नहीं कौन सी अजीब घटना घटाए कि धीरे धीरे इन बच्चों की जो दृष्टि है वो कम होनी शुरू हो जाए, और एक दिन ऐसा आवे जब ये बच्चे परमानेंट रूप से अंधे हो जाए। सेम केस है यहाँ के पशु पक्षियों के साथ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई साइट के साथ पैदा हुए हैं और एक दिन वो भी परमानेंट रूप से ब्लाइंड हो जाए हैं। तो दोस्तों इन गांव वाले का क्या कहना है उनकी इस दशा के ऊपर। जोपेटिक जनजाति के इस गांव में लगभग 70 झोपड़ी हैं जिनमें 300 लोग रहे हैं, और हर एक गांव वाले का यह मानना है कि उनके गांव में एक पेड़ है लाउजुएला नाम का, और इस अंधेपन का जिम्मेदार वही है, क्योंकि चाहे कोई पशु है या फिर इंसान है एक बार उस पेड़ की तरफ देख लेगा तो फिर वो अंधा होगा ही होगा। और वही पेड़ ही इस गांव के अंधेपन का जिम्मेदार है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो अपने चैनल पर ऐसी ऐसी और भी वीडियोस हैं, उनका लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप वो वीडियो भी देख लियो। और अब आखिर में देखते हैं कि वैज्ञानिका ने आखिर कैसे पर्दा उठाया इस गांव के अंधेपन के रास्ते। दोस्तों यो गांव है मेक्सिको देश में, और इस गांव का नाम है टिल्टेपक। दोस्तों जब यह बात फैली तो दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक ने इस गांव में आकर डेरा डाल लिया। और अपनी बहुत लंबी रिसर्च के बाद बताया कि इस जो गांव का अंधेपन का जो राज है वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली मधुमक्खी है, कि जो भी जिसने काट ले है चाहे वो इंसान है चाहे वो पशु पक्षी है उसका अंधा होना निश्चित है। इसके बाद भी ये गांव वाले इतने अंधविश्वासी हैं कि इन्होंने अभी तक नहीं माना कि इस गांव में अंधेपन का जो राज है वो एक मधुमक्खी है ना कि पेड़। दोस्तों आपने वीडियो कैसी लगी मैंने कमेंट करके बताइए। किसी और वीडियो देखने दी अपने चैनल लाइक सब्सक्राइब करो। सबका धन्यवाद।